मुझे हैरानी इस बात की कि भारत में इतने मंदबुद्धि लोग हैं जो बिना सोचे समझे अपना पैसा ऐसी मूवीज या सीरीज में लगा देते हैं जो इतनी घटिया और वाहियात होती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा बुलेट वेब सीरीज के बारे में, जिसे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड है। और अगर इन 6 एपिसोड की मैं बताऊँ कि टोटल कितनी लेंथ, तो करीबन करीबन 2 घंटे की लेंथ बन जाती है। और इस 2 घंटे की वेब सीरीज को खत्म करने में मुझे 3 दिन लग गए, क्योंकि यार इसका हर एक मिनट झेलना इतना मुश्किल है, इतना इनटॉलरेबल है। जब भी इसे देखना शुरू किया था तो बार बार दिल में यह ख्याल आ रहा था कि यार छोड़ इसको, कोई कुछ कुछ फायदा नहीं है इसको देखने में, कोई जरूरी नहीं है तुझे रिव्यू करना। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने इसको कंप्लीट किया। इस सीरीज को डायरेक्ट किया दिव्यांग ढोलकियन, और सच में एक नंबर का घटिया डायरेक्शन है। इसमें कास्ट है सनी लियोनी, करिश्मा तन्ना, दीपक तिजोरी और बाकी अन्य कलाकार। अब देखो यार, मैं कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट ये सच है, सनी लियोनी को एक्टिंग नहीं आती है, एक्सप्रेशन के नाम पे नील बट्टे सन्नाटा है। चलो छोड़ो, अब मैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी के बारे में बता देता हूं। तो लड़कियां होती हैं, एक का नाम होता है टीना, जिसे प्ले किया है सनी लियोनी ने, एक का नाम होता है लोलो, जिसे प्ले किया करिश्मा तन्ना ने। अब ये दोनों जो हैं वो किसी मंत्री के बेटे का कत्ल कर देती हैं। अब मुझे नहीं पता वो मंत्री कौन है, मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था इस सीरीज में, फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के इसको देखा। तो जब वो किसी मंत्री के बेटे का कत्ल कर देते हैं तो ये भागते हैं, इनके पीछे गुंडे पड़े हुए होते हैं। अब लोलो मंत्री को ही मारना चाहती है, क्योंकि मंत्री ने उसके मंगेतर को मार दिया था। अब यही एक कहानी है। सच कहूं, इससे बेटर कहानी एक 5वीं क्लास का बच्चा लिख के दे सकता है। उसकी इमेजिनेशन भी इतनी जबरदस्त है कि यार वो इससे कहीं लाख गुना बेटर कहानी लिख के दे सकता है। अगर तुम इसमें सिनेमेटोग्राफी की बात करो या फिर VFX की बात करो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सच में। मेरे पास मतलब वाहियात और घटिया, ये तो बहुत ज्यादा छोटे शब्द हैं। अगर मैं इसके सिनेमेटोग्राफी या VFX की मतलब उसकी प्रशंसा के लिए अगर वाहियात और घटिया शब्द यूज करूं, मेरे पास यार कोई वर्ड नहीं मिल रहा मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकूं कितनी घटिया वो चीज़ है। और इसका शुरुआती वो डायलॉग है, गरम लोहे पे हथौड़ा मारोगे तो तलवार बनेगी, बिरयानी नहीं बनेगी। क्या लॉजिक है उस चीज़ का, किससे क्या बताना चाहते हो और इससे क्या इंटेंसिफाई करना चाहते हो, कुछ भी लॉजिक बनता है इस चीज का। और इस सीरीज में एक सस्पेंस भी रखा गया। सोचो इसमें जिसमें कहानी नहीं है उसमें एक सस्पेंस है, और सस्पेंस मैं सच कह रहा हूं, अगर अंधा भी, ध्यान से सुन रहे हो ना, एक अंधा भी अगर इस सीरीज को देखेगा उसे भी पता चल जाएगा वो सस्पेंस क्या है। एक इंसान होता है वो धोखा देने वाला होता है, टर्म का इक्का उक्का कहते हैं उसको, जो भी है वो कहते हैं भैया ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जो भी है बस छोड़ो। इतनी घटिया एक्टिंग है, इतने घटिया एक्सप्रेशन है, टीना और रोलो के पीछे मतलब गुंडे पड़े हुए हैं, और ये दोनों मेकअप करके, भाई साहब मेकअप करके ये बाहर घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। मतलब थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर लो यार अपने काम की। तुम्हें किसी के सामने एक्टिंग मतलब करनी नहीं आती तो छोड़ो यार उस चीज को, पहले जाके एक्टिंग की क्लास ले लो। इस सीरीज को देखना ये समझ लो तुम अपनी जिंदगी के 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो। और ये जो सो कोल्ड सनी लियोनी के फैन है, मुझे पता है तुम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हो, तो वो इसमें नहीं है जो तुम देखने की सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि मतलब सनी लियोनी को क्यों लिया जाता है, वही अंग प्रदर्शन के लिए। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी बात है कि केवल वो चीज नहीं रखने के लिए, मतलब अंग प्रदर्शन इसमें नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है, और वो चीज ना करके एक्टिंग करने के लिए सनी लियोनी को लिया गया। बट उनको एक्टिंग नहीं आती है, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको क्यों है यार, किस लिए वो सीरीज में है। कोई उनको एक्टिंग क्लास में लेके जाओ पहले, फिर लेके आओ हमारे सामने कि हाँ ऐसे एक्टिंग होती है। अबे उस छोड़ यार छोड़, इसका डायरेक्शन घटिया, उससे घटिया तो इसकी स्टोरी है, और इस पे सोने पे सुहागे वाली बात है जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इन सबसे वाहियात है। मेरा सच्ची में दिल से तमन्ना है मेरी कि मैं इसके मेकर से मिलूं जिन्होंने इसमें रुपए लगाए, मैं उनकी शक्ल देखना चाहती हूं कि हाँ यार लिटरली सामने सामने। यार ऐसे लोगों से मिलकर ना नॉलेज बहुत मिलती है कि तुम्हें कहां रुपए वेस्ट नहीं करने चाहिए। मेरी तरफ से इस घटिया इस वाहियात मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 star। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ वेस्ट है यार। इतनी घटिया घटिया चीजें आ रही हैं भारत का, मैं हैरान हो रहा हूं यार। इतने अच्छे लोग बैठे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए लोग बैठे हैं, इतनी अच्छी कहानी है, लोग उनके ऊपर पैसा ना लगाकर ये किस बात के ऊपर तुम रुपया लगा रहे हो, क्या तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंटरटेनमेंट था वो, अरे वो
छोड़ो यार, मेरा सच्ची में आज बहुत कुछ बोलने का तो मन है, लेकिन मैंने बार बार इसीलिए मैं चुप हो रहा हूँ क्योंकि यार कुछ गलत ना निकल जाए। तो अगर किसी ने देख रखी है तो अगर तुम सो कॉल्ड फैन हो तो बेशक तुम रिप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं भी हो, अगर किसी ने देख रखी तो अपने दुख में रिप्लाई कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं देखी तो सीरियसली मैं एक अच्छी राय दे रहा हूँ, एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, ये 2 घंटे तुम कहीं और इन्वेस्ट कर लो अपनी लाइफ के कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में, कुछ और देखने में, लेकिन इससे दूर रहना बिल्कुल भी काबिल नहीं है यार ये देखने के। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। Sakyo tera sunayong.